सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा आवास योजना बनाई ताकि सभी गरीब परिवार के लोगों को पक्का आवास मिल सके, परंतु उत्तर प्रदेश श्रावस्ती ब्लॉक हरिहरपुरानी के ग्राम ललईपुरवा गांव के निवासी शकुंतला सहित 60 गरीब मजदूरों का इंदिरा आवास न मिलने के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पास घर नहीं है, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं तो समझा का अपने मरई मावे तो न टटरा पड़ा ना दरवाजा, उसके बाद में आग लागे फूस जल जाए, आंधी आवे फूस उड़ जाए, दीवार गिरे बच्चे कचर जाए, तो 10 रुपये मजदूरी करते हैं तो मजदूरी के चलावे पेट के सुविधा करें कि डॉक्टर का दी, तो हमें जो 4 हाथ के वतन दे दी जाए सरकार दे दी, तो अपने घर में दरवाजा लगा दे, दिन भर जाए मजदूरी करें समझा का अपने घर में पल्ला दे के पहुँच रहा है आराम से, लड़के बच्चे लेके बनाए खाए के। समस्या है कि हमारा इंदिरा आवास BPL सूची में 75 आदमी का नाम अंकित है, लेकिन आज तक के हम लोगों का इंदिरा आवास न मिलने के कारण बहुत बड़ी कठिनाइयां हैं। बरसात में तमाम से दिक्कत पड़ जात है, घर मकान गिर भी सकत है, लड़के बच्चे हर चीज़ का मतलब पढ़ाई लिखाई सब चीज़ का दिक्कत है। 3 प्रधानी तक बीता थे, संभाल के प्रधानी पहले आई हमारे जानकारी में, 250 रुपये जमा कराइन, खाता खुलवाइन, जांच पड़ताल कराइन, वो बीत गया। तीसरी प्रधानी जिलेदार के आई, वही 5,000 रुपये ले लीन, 500 आज तक नहीं दीन, हमारे परिवार गुजरिए दवाई करावत रहें, दवाई पैसा हमें नहीं दे सके, 45 से हमारे दीन। अधिकारी के पास एक बार नहीं कई बार खंड विकास अधिकारी के पास दौड़कर BDO के पास और का है CDO के पास कई बार दौड़कर हम लोग गए, अप्लीकेशन भी दिए, वो अप्लीकेशन का सबूत हमारे पास है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इंदिरा आवास मतलब है कि है मिले 75 आदमी कहीं। हाँ, मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग हरिहरपुरानी के विकास खंड अधिकारी का मोबाइल नंबर 94-15-16-53-89 पर कॉल करके दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं रईस अहमद, उत्तर प्रदेश जिला श्रावस्ती, इंडिया अनहार्ड के लिए।